सो पीपल। अरे लाइट नहीं आ रहा है माँ, मुझे दिख रहा है माँ, माँ मुझे दिख रहा है माँ, जादू धूप चाहिए, जादू धूप चाहिए, धूप आ गया, धूप आ गया माँ, अभी अच्छे से दिख रहा है माँ, अभी अच्छे से दिख रहा है। ऑल राइट, हेलो दोस्तों, आज आपने तो मतलब पूरा सेटअप देख लिया होगा दोस्तों। तो अभी हम लोग ने हमारा सेटअप चेंज कर चुका है, चेंज कर चुके हैं एस2डी टेक पे, ठीक है दोस्तों। तो अभी से आपको हर एक वीडियो इसी सेटअप पे दिखेगा। तो ये हमारा टोटल सेटअप हो चुका है, और थोड़े काम बाकी वो भी पूरे हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा पूरा सेटअप है। तो आपका बहुत कंप्लेंट आ रहा था सब्सक्राइबर्स लोगों का कि व्लॉग अच्छे होते हैं, लाइटनिंग कंडीशन सब कुछ, जो घर पे वीडियोज़ होते हैं टेक वीडियोज़, उसमें बिल्कुल लाइटनिंग क्वालिटी नहीं है। तो आपको सबके सजेशन में मद्देनजर रखते हुए अपनी क्वालिटी को बढ़ा चुका हो, तो आप मुझे रेट करके बताइए ये सेटअप आपको कैसे लगा, लाइटनिंग क्वालिटी कैसी है, और क्या इंप्रूवमेंट मुझे करना होगा, ठीक है दोस्तों। जाओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। तो ये अब तक तो अभी हमारा यही फाइनल सेटअप होगा। एक और दोस्तों, हमने अभी हमारा 49 अपलोड होगा, 240 सब्सक्राइबर्स और 5000 व्यूज हमने हिट कर लिया है टोटल वीडियोस पे, और 10000 मिनट्स का वॉच टाइम भी निकाल लिया हमने। तो दोस्तों आपका सपोर्ट अगर ऐसे ही बना रहेगा तो हम हर चीज कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सपोर्ट करो दोस्तों, एंड तक वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो। फटाफट से हम टॉपिक के पास आते हैं। तो आज का जो पूरा वीडियो है उसका जो टॉपिक होगा मोबाइल के स्क्रीन रैपिंग लैमिनेशन पे होगा। स्क्रीन रैपिंग लैमिनेशन होता क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल? तो ये एक पेपर टाइप होता है रैपिंग, उसमें पेपर भी आता है, मैट भी आता है, ग्लॉस भी आता है, विनाइल भी आता है। तो ये जो होता है हमारे बैक पैनल होता है मोबाइल का, उसके पीछे लगता है एक कवर जैसा। तो इससे क्या होता है, मोबाइल का जो लुक होता है एनहांस होता है और प्रोटेक्शन देता है हमारे बैक पैनल को। और ये कम से कम रुपये में होता है, पर ये मोस्ट ऑफ द आईफोन्स के लिए आता है, तो ये एंड्रॉयड मोबाइल्स के लिए कम मिलता है। तो आजकल अभी एंड्रॉयड मोबाइल्स के लिए भी मिल रहा है। तो मेरे पास जो मॉडल है रियलमी 5S, जो अभी हमारा कैमरा बन चुका है, गियर बन चुका है, सारे वीडियोस उससे ही शूट होते हैं, एडिट होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने उसके लिए भी एक रैप मंगाया था, और मैंने रैप किया, और रैप आपको कैसे करना है घर बैठे बैठे, उसमें पूरे वीडियो में मैंने सब कुछ दिखा दिया है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, आप घर पर मंगा के रैप आसानी से कर सकते हो। तो मैं आज आपको एक साइट बताने वाला हूँ, rapitup.in, रैप किंगडम। ये एक इंस्टाग्राम पे पेज आपको जा मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, फटाफट जाओ डिस्क्रिप्शन में चेक करो, लिंक मिल जाएगा उनके इंस्टाग्राम पेज का। तो वहाँ पे सिर्फ आपको मात्र 300 रुपये में हर एक मॉडल के लिए, मोस्ट ऑफ दी सब मॉडल के लिए स्किन्स मिल जाएंगे, भले COD पे आ जाएगा। तो उसके बाद तो मैंने बताया कैसे से आपको रैप मतलब घर पे करना है। अगर समझिए, अगर आपका बैक पैनल डैमेज हो चुका है तो आप रैप कर सकते, उसको छुपा सकते हो। तो 300 रुपये में आप आपका काम बना सकते हो, जिसके मोबाइल का बैक ग्लास बॉडी का होता है, ठीक है दोस्तों। ये एक हो गया, और ऊपर से मोबाइल का लुक एनहांस करता हो तो मैंने बता ही दिया। और अगर जब आप ये रैप यूज करोगे, और समझो मोबाइल आप बेचने जा रहे हो 1-2 साल के बाद, तो अगर आप रैप पील ऑफ करोगे तो उसमें कुछ भी रेसिडुअल नहीं होगा, मींस कुछ भी चिकनापन नहीं होगा, स्टिकी स्टिकी टाइप कुछ नहीं होगा, अगर आप यहाँ से रैप कराते हो तो। ये गारंटी देती है कंपनी, ठीक है दोस्तों। मैं मनोहर आ गया एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों हम जैसे कि आप देख सकते हो, अभी हम रैप करने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट केस यूज कर रहा हूँ, और आप देख सकते हो मैट टेम्पर्ड ग्लास लगाया, तो बहुत सेक्सी लग रहा है मोबाइल। तो अभी मैं फटाफट से अपना निकाल देता हूँ जो कवर है। तो कवर निकालने के बाद आप देख सकते हो पीछे एक स्टिकर है, तो मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग। तो मैंने ये भी निकाल दिया है। तो अभी हम करने वाले इसको रैप, तो पहले आप देख सकते हो ये ऐसे ही बहुत सेक्सी लग रहा है, पर मुझे कस्टमाइज चीज़ें पसंद है इसलिए मैं रैप करवा रहा हूँ। तो इसमें तो वाइप्स प्रोवाइडेड नहीं है, तो वाइप्स प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो क्या कर सकते। तो आप जैसे कि देख सकते हो आपके पास घर में होगा नेल पॉलिश रिमूवर, तो आपको ऐसे वाइप्स खरीद लेने, 20 रुपीज में मिलते हैं। मैंने तो अपनी सिस्टर के उठा लिए, तो अगर आपकी भी गर्लफ्रेंड होगी तो गर्लफ्रेंड के पास भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो आपको एक वाइप लेना है, आपको पूरे अच्छा तरीके से देखो ऐसा साफ करना है, पर ये याद रखना कि इसको कैमरा पे मत करना आप,
ठीक है दोस्तों, क्या और उसके बाद आपको करना क्या, अगर आपके घर पे एक ऐसा हैंडकरचीफ या माइक्रोफाइबर क्लोथ होगा उससे आपको पूरा साफ करना है इसे, ठीक है दोस्तों। फट से अपना स्किन को पिल ऑफ कर लेता हूँ तो आप जैसे कि देख सकते हो, तो ये एक स्टिकर टाइप ही होता है, इसमें मतलब कुछ बड़ी बात नहीं है। तो मैं फटाफट से पिल ऑफ कर लेता हूँ अपना स्टिकर, तो आप जैसे कि देख सकते हो पूरी प्रिसाइज कटिंग की गई है। तो मैं अपना कैमरा यूज़ नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मुझे कैमरा अभी नहीं यूज़ करना है, मुझे बाद में यूज़ करना है कैमरा का। तो आप जैसे कि देख सकते हो, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, आपका जो है ना ये कैमरा और फिंगरप्रिंट आपको अलाइन करना है, तो ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट हो जाएगी। कैमरा और फिंगरप्रिंट को अलाइन करने वाला हूँ, तो आप देख सकते हो, तो आप जैसे ही देख पा रहे हो दोस्तों मैंने अलाइनमेंट कर लिया है, तो परफेक्टली अलाइन हुआ है, तो किधर भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है। तो अभी अलाइन करते हैं हम ऐसे ही धीरे धीरे। तो आप जैसे कि देख सकते हो कैमरा और अपना फ्लैश ये जो है मतलब बराबर से अलाइन हो गया, ये अलाइन हो गया मतलब परफेक्टली हमने लगा दिया है, ठीक है दोस्तों। और अभी हम ऊपर का भी लगाएंगे परफेक्टली। तो आप नीचे देख सकते हो, हमें नीचे भी लगाना है, मतलब ये जो साइड से आप देख रहे होंगे सब स्लॉट स्वीट्स, तो ये सब भी हमें लगाना है। तो मैं फटाफट से इसे लगा लेता हूँ। तो मुझे इसे थोड़ा सा हीट देना पड़ेगा शायद से, हीट की तो ज़रूरत नहीं लग रही मुझे। जैसे कि देख सकते हो मेरे बाजू में ब्लो ड्रायर है, तो मैं थोड़ा सा हीट करूंगा, ज़्यादा नहीं हीट करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों, मतलब थोड़ा सा हीट करना है। और ऐसे आप टेंशन मत लो, अगर लाइटर यूज़ कर रहे हो तो जल जाएगा, आपको थोड़े 5 सेकेंड या 4 सेकेंड के लिए यूज़ करना है, ये पेपर हीट वाला ही होता है, ठीक है दोस्तों, ये जल नहीं जाता है इतना जल्दी, ठीक है। मैं अभी फटाफट, आपको देखो ये पहले नहीं लगाना है, यहाँ पे जो दो निकले हुए हैं ना ये आपको पहले नहीं लगाना, आपको बहुत एंडिंग में लगाना है, ठीक है। तो अगर आप पहले लगा दोगे तो आप खराब कर दोगे रैप। दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हो हमारा पूरा मोबाइल अच्छे खासे से रैप हो गया है, तो यहाँ पे जो एजेस है तो एजेस भी बैठ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर वो बैठा नहीं तो आपको क्या करना है, आपको कवर यूज करना है, तो कवर यूज करने से क्या होगा कि वो भी बैठ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो कितना सेटअप रेट करो आउट ऑफ 10 में, तो और लाइटनिंग कंडीशन अभी अच्छी हुई कि नहीं पहले से ये भी बताना, क्योंकि आज के लिए बस इतना ही, मैं जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ।